भोपाल में धन्वंतरी जयंती के मौके पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया। भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य के देवता के रूप में जाने जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा रहती है वो स्वस्थ और निरोग रहकर जीवन का आनंद ले। विगत 5 सालों से भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने धन्वंतरी जयंती के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मनाने का फैसला लिया है। इसी क्रम में राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया, जिसमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे व आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक कुमार वाष्णे शामिल हुए और सभी ने अपने विचार रखते हुए आयुर्वेद के महत्व को बताया। इस मौके पर आरोग्य संपदा पत्रिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आरोग्य भारती और पंडित खुशीलाल शासकीय आयुर्वेद संस्थान भोपाल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े हुए कई ऐसी संस्थाएं हैं, उसके पास शासन नहीं है, सत्ता नहीं है, फिर भी समाज के लिए ऐसे कई काम निर्दोष भाव से कोई अपेक्षा बिना सारे हिंदुस्तान में काम चल रहा है। उनका एक भाग यानी आरोग्य भारती, ऐसा बोला जाता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, अर्थात सब सुखी हो, सब निरोगी हो। भारतीय संस्कृति की इसी अवधारणा का आधार आयुर्वेद है। आयुर्वेदिक चिकित्सा भारत की अत्यंत प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। इसमें रोग को जड़ से मिटाने की क्षमता है। जिस देश में रहते हैं वह देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, जहां पर आयुर्वेद की एक अलग पहचान रही है। यह हमारी पुरानी पेथी है। इस पेथी से हम सब लोगों ने अपने स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इन सब का हमारे आयुर्वेदाचार्य में हम सब लोगों ने देखा है, समझा है। आज आप सब लोग इस बात को भी जानते हैं, हम सब लोग भी इस बात को जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे और अपने काम में भी मस्त रहेंगे। यदि हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो हम अपने काम में मस्त नहीं रह सकते। और इस राष्ट्र के निर्माण में हम सब लोग जुड़े हुए हैं। हम सब लोग राष्ट्र के निर्माण के लिए, हम सब लोग अपने क्षेत्र के काम के लिए एक नए भाव के लेकर हम सब लोग काम करते हैं। जब हम स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं तो एक ही चित्र सबके मस्तिष्क में आता है कि हम सबके प्रेरणा स्रोत भगवान धन्वंतरी जी हैं। भगवान धन्वंतरी जी की प्रतिमा को जब देखते हैं, उनके चित्र को देखते हैं, तो और एक चीज ध्यान में आती है। उनकी चार भुजाएं हैं, चारों चार चीजों को रिप्रेजेंट करती है। अमृत कलश है, औषधि का प्रतीक है, कोई बीमार होगा तो औषधि है। शंख है तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट का प्रतीक है, हम फैलाएंगे चारों तरफ इस वायुमंडल को, ठीक करेंगे। शास्त्र है, अर्थात जो भी कुछ है वह शास्त्र सम्मत है, शाश्वत है, प्रामाणिक है। और चौथे हाथ में कुछ जड़ी बूटी है, लीच भी दिखा दे, जलों का, अर्थात जो भी औषधि है वह इस प्रकृति से ही हमको मिली है, जीव जंतु ही हमारे सहायक है।